आप अंदर जाके देखो फलों की टोकरी रेडी हुई कि नहीं, जल्दी जाओ। ये बॉक्सेस सारे के सारे आ गए। अरे दादा अभी तक गिफ्ट रैप नहीं हुआ, जल्दी करो। अरे फलों की टोकरी रेडी हुई कि नहीं, जल्दी लेकर आओ, इतना सारा काम बचा हुआ है। अरे ये सामान अभी तक यहीं पड़ा है। रणवीर इधर आ, तुझे मालूम है ना गौरी के सासरे ले जाना ये सब सामान, वहां क्या नाक कटवाएगा पारे खानदान की? नहीं बाप, ये सारा काम तू खुद करवा, चल। जी बाप, जल्दी लेकर आओ सारा सामान। वो जो बाने गौरी के लिए जेवर बनवाए वो भी लेके आया मेरे साथ। अरे फाल्गुनी भाभी, जो बाने मेरे गौरी के लिए कितना कुछ किया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिन बाप की बच्ची को इतना सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है माधवी, ये सब कुछ बा ने किया है? माधवी ये तो मेरे पति का दिया है, वो तुम्हारा पति नहीं है ना, इसलिए तुम भूल जाती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बच्ची ननिहाल से नहीं लेके जाएगी तो और कहां से लेके जाएगी? हर्षद ने तो मामा होने का फर्ज पूरा अदा किया, सब कुछ तो दिया गौरी को। अरे भाई इतना कमाता है, अगर थोड़ा बहुत खर्च कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो उसका बड़प्पन है। वो कहते हैं ना माधवी, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिन विथ होम। फाल्गुनी बहू बहुत अच्छी बात बोली। हाँ हाड़ू, पहली बार इसका ध्यान गहनों से हटकर साहित्य में लगा है। मुहावरे बोलने लगी है आड़ी, वो भी पति के प्रशंसा में। चंचल तूने बहुत अच्छी बात बोली है। हाची बात बापा, हाची बात। मैंने दिया ही क्या है बच्चों को, जो भी दिया है वो सब हर्षद ने ही दिया है ना। मैंने तो अब तक और मैं तो इस घर की बड़ी हूं, मेरा तो पहले हक बनता है। चंचल बुला, छोकराओं को बुला, बोला बच्चों को बुला, चलो हम भी चैरिटी करते हैं। सब आ गए, इतना अच्छा लगता है ना तुम सबको देखकर। गौरी की शादी हो गई, सब कुछ हर्षद ने बहुत अच्छे से निभाया, पर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, घर की बड़ी हूं मैं। तुम सबके लिए भेंट बनवाई है मैंने, चांदी के सिक्के, छोकरे के लिए गणपति और घर की लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी। ये सिक्के चांदी के बड़े प्यार से बनवाए, ये सिक्के आज दे रही हूं। मारो हर्षद, मारो सुखी रे बाबा। बदमाश सब जानते हो हाँ? और मारू लाडलू अबे कई जरूर नहीं। हाय अलीबा, ईशानी मैं तो भूली गई, तेरा सिक्का तो है ही नहीं। अरे हाँ, तो इस घर में पैदा नहीं हुई थी ने, पर मुझे माफ कर भैया, क्योंकि हम तो तुझे अपनी बेटी ही समझ रहे हैं। बाहर वालों को भी बताती नहीं है कि ये किसी और की बच्ची है। क्या है, कल को दिशा की शादी किसी बड़े खानदान में करवाएंगे तो बहन तो तुझे ही बोलेंगे ने, और ये हमारी कुल की मर्यादा भी है और परंपरा भी। बेटी चाहे किसी की भी हो, पर बेटी आखिर बेटी होती है ना। अरे तू तो इस घर की लाडली है, स्पेशल केस भाई।
तुझे तो मैं सोने का सिक्का दूंगी। मेरा बेटा अकेले ही इतना कमाता है, इतना सब करता है इस घर के लिए, उसी से सीखा है मैंने। चैरिटी तो घर से ही शुरू होती है ना। देख, तू हर्षद की बेटी नहीं है, फिर भी कितना करता है वो तेरे लिए। कभी तुझे पराया नहीं समझा, कभी ये फील होने नहीं दिया कि तू उसकी चैरिटी है। ये भी बात करो शोभा, ईशानी बेटी है मेरी। देख, यही तो कहा मैंने, यही तो सीख दी है मैंने अपने बच्चों को, और ये हमारे कुल की परंपरा भी है। अपसेट हो? नहीं। हो तो सही। वैसे मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। रणवीर प्लीज जाओ यहाँ से। अरे तुम ये देखोगी ना तो मूड एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा दिखाओ। ये लो। रागरी MMS 2, just one moto, dirty picture, even dirty picture, ये सब क्या है? अरे ये मूड ठीक करने के लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं हमेशा यही करता हूँ। तुम्हें बताया था ना? तुम भी यही करो। कितने चीप हो तुम रणवीर? पापा को बताओ ये सब सीरीज दिखा रहे हो मुझे। देखा? मूड बदला ना? पहले अपसेट थी और अब गुस्सा कर रही हो। इसी तरीके से गुस्सा करते रहा करो हमेशा। रणवीर तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आयो? अरे इतना अच्छा मौसम है इसलिए आया ऊपर में। शानी, तुम क्यों इतना लोड लेती हो? छोड़ो ना। अरे हम हमेशा इस घर के लिए बाहर वाले ही रहेंगे। अब देखो, मैं ड्राइवर का बेटा हूं और तुम हो फागुनी माँ की बेटी, इस घर की नहीं, तो उनके लिए तो हमेशा हम लोग बाहर वाले रहेंगे ना। लेकिन हम एक दूसरे के लिए तो है ही ना। जब मैं इस घर में आया था ना तो मैं अपने बाबा के साथ आया था और तुम अपनी माँ के साथ, और मोटा बाबूजी ने हम दोनों को एक्सेप्ट किया था, तो इस रिश्ते से हमारे बीच में कोई तो कनेक्शन है ना, है कि नहीं? एक और रिश्ता भी तो है। कौन सा रिश्ता? प्यार का। प्यार? हाँ प्यार, वही प्यार जो हम दोनों के दिल में है। रणवीर, तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने, तुम्हारे दिल में देखा है, वही प्यार जो मेरी आंखों में है, जो मेरे दिल में है। तुम्हारे हर एक्शन से पता लगता है, और
मेरी भी। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। पापा से शायद सबसे ज्यादा है ना? हाँ वही तो। तुम बस बोल देती और मैं बोल ही नहीं पाता। ईशानी तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। नौटंकी। रणवीर बारिश। ईशानी ईशानी रुको।